रुक जाओ आ रहा हूँ। शशांक भाई रुक जाओ। ऑलराइट गाइस, कल शाम को हम आकर के रुक गए थे सरचू में। यहाँ पे हमारे पीछे हैं नीरव भाई, इन्होंने बुकिंग कराई यहाँ पे आके। तो यहाँ रात काटी हमने, अच्छी खासी रात काटी। और रात को जो टेम्परेचर है 4 डिग्री हो गया था। अभी कोई नहाया नहीं है क्योंकि यहाँ पे पानी का थोड़ा इशू है। अगर आप रुकते हो सरचू में तो आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं, गर्म पानी, नहाना, ये सब चीज़ें। तो आज हम जाकर मनाली में ही नहाएँगे। तो अभी निकलते हैं, टाइम हो गया है 9:30। बारालाचा ला क्रॉस करना है, वहाँ पे हमें वाटर स्ट्रीम्स भयंकर मिलने वाले हैं, स्नो मिलने वाला है, सब कुछ मिलने वाला है, तो दिखाएंगे आपको। सांस फूल रही है भाई, सांस फूल रही है। चलिए यहाँ से निकलते हैं और बाकी की बात करेंगे। चेतक पे बैठने के बाद शक्ल की स्थिति तो हो गई है ख़राब, बिल्कुल जल चुके हैं हम लोग सबके सब। सो इस ब्लॉग को भी शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शशांक शेखर सिंह आप सबका वेलकम करता हूँ अपने चैनल गो राइडर्स में। तो बाकी की बात करते हैं चेतक पे बैठने के बाद। हाँ जी, तो चेतक तैयार, सब लोगों की बाइक्स रेडी। ये हमारा स्टे था यहाँ पे, सब रेडी। अब निकलते हैं। तो इस राइड को भी शुरू करने से पहले गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया माता दिया खुदा अल्लाह वाहेगुरु वाहेगुरु गॉड ब्लेस मी। आज की भी यात्रा हम सबके मंगल में रखिएगा। लास्ट टाइम बारालाचा ला पर गिरा था। हे महादेव, हे चेतक, इस बार संभाल लियो। ये देखो नुमान को यहाँ पॉपलाइट पर शौक पर आके प्यारे छोटे छोटे से नजर आ रहे हैं। सही है, क्योंकि हिमाचल में इशू होता है। हमने तो लगाया नहीं है, देखते हैं, जलाएंगे नहीं। एक्स्ट्रा सॉक्स है क्या किसी के पास? तो मेरा अंदर बैग के अंदर मेरे प्रवीण का लगा है। ग्लव्स पहना दूं क्या? तेरा वाला ग्लव्स बड़ा प्रॉब्लम है ना आपका। चल देखते हैं। लंबी ट्रैफिक हो गई ट्रक्स की यार। यहाँ चेक पॉइंट है, यहाँ पे मेंशन करवाना होगा, फिर आगे बढ़ेंगे। और यहाँ से लद्दाख ख़त्म हो जाएगा। केलोंग 107, मनाली 177, बारालाचा ला 33। यहाँ लगा देता हूँ आगे पार्क करके ना MS02। तो यहाँ से करते हैं बाय बाय लद्दाख और अभी मनाली में एंटर कर जाएंगे। मनाली कर रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश में एंटर कर जाएंगे। थैंक गॉड ये ब्रिज बन गया भाई, नहीं तो यहाँ जो पानी लगता था ना, ऐसे जाकर ऐसे ऊपर आना पड़ता था। बाय बाय लद्दाख। सब चीज़ ठीक रहा था। फिर मिलते हैं सितंबर में आपसे। टॉप फॉर चेकिंग। यहाँ से हम हिमाचल में एंटर कर जाएंगे। वेलकम टू हिमाचल प्रदेश। दिल्ली 782, केलोंग 107, स्ट्रिंगरी 101, पाटसियो 60 किलोमीटर। हाँ, ये भी सरचू है, ये हिमाचल वाला सरचू है, जहाँ हम रुके थे वो लद्दाख वाला सरचू है। अगर आपको सरचू में कैंप्स बुक करना है कॉल करके, तो मैं आगे देखता हूँ नंबर दिखा तो मैं वीडियो थ्रू आपको दिखा दूँगा। तो ये सारे कैंप्स हैं। इसका नाम है रेड रॉक कैंप सरचू। देख लो इनका, ये देखो नंबर है ना, जूम करो और देख लो नंबर और कॉल कर लो अगर आपको रुकना है तो। इस रोड पे ना ट्रक आए ना तो रुक जाओ, उसको जाने दो, नहीं तो ये लोग बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं, लाकर ठोक देंगे। ये ऑफ रोड तो था लास्ट टाइम, देखते हैं। ये वाला जो पूरा पैच है ना, बीच में ऑफ रोड होकर जाना पड़ता था, देखते हैं अभी भी ऑफ रोड है कि रोड बना दिया इन लोगों ने। लेट्स सी, टर्न लेने के बाद पता चल जाएगा। केलोंग 87 नहीं बना है रे भाई, नहीं बना है, ऑफ रोडिंग ही करना पड़ेगा। फिर से मैं सामान फालतू का ले आया हूँ, उतना यूज भी नहीं हुआ और ले आया मैं। हर बार मैं सोचता हूँ कि यूज करूँगा, नहीं हो पाता यूज, और हर बार फालतू का ओवरलोड करके आ जाता हूँ मैं। ओए होए ओए होए ओए होए, हाथ जमने शुरू हो गए रे भैया। दिल्ली के लॉन्ग लेह बस जा रही है ना, ये वाली बस है। देख रहे हो बर्फ़ की दीवार। अभी बारालाचा ला जब तक क्रॉस नहीं करेंगे तब तक ऐसा ही माहौल रहेगा। या बारालाचा से जब नीचे उतरेंगे उसके बाद जाके स्नो ख़त्म होगा। स्नोफॉल होने लगा, इतने हाइट पे अपन आ गए ना कि स्नोफॉल चालू हो गया, क्योंकि कहीं बारिश हो रही है तो इधर स्नोफॉल हो रहा है। सामने पूरा पूरा स्नोफॉल हो रहा है। अरे रोड से खड़े रहो साइड यार। स्नोफॉल चालू हो चुका है अच्छा खासा वाला, और अभी इधर वाटर स्ट्रीम है, इसको क्रॉस करना है। देखो कैसे पानी ऊपर आ रहा है, सा आ रहा है। दोपहर में तो एकदम रिवर बन जाएगा। अभी कुछ लोग गए हैं गाड़ियों को रोकने के लिए, क्योंकि हमारा टर्न था, रुके ही नहीं, ट्रक वालों ने निकाल लिया। जान निकल गई है भाई, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है। लास्ट टाइम मैं इस रोड से रात को गया था तो उतनी ट्रैफिक नहीं थी। सुबह मतलब ट्रैफिक अच्छी खासी रहती है इस रोड पे। ये सामने देखो, ये एक ताल है, इसका नाम आगे पढ़ के बताता हूँ आपको। देखो फ्रोज़न भी है, आधा ताल फ्रोज़न है। काफ़ी ठंड है भाई, काफ़ी ठंड है। सूर्य देवता आप थोड़ी देर ऑन रहिए तो हमें थोड़ा सा आराम मिलेगा। सूरज ताल इसका नाम है, सूरज ताल। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ये ताल। लोग मनाली से घूमने आते हैं बारालाचा ला पास तक। थोड़े सपने देखने दो, मन की आंखें सेकने दो, हल्की हल्की आंच दो ना जरा, दिल को भी अब खोलने दो, खुल के बातें बोलने दो, महकी महकी आस दो ना जरा। पल पल करते अटखेलियां, वेट वेट वेट, रंग गुलाबी नैना शराबी, तेरी अदाएं हैं बेहिसाबी, मन बावरा है तुझ पे रुका है, मांगे तुझे सावरिया, ना तो इस जमीन की ना है आसमां की, तेरी कौन सी नगरिया, मन बावरा है तुझ पे रुका है, मांगे तुझे सावरिया, ना तू इस जमीन की ना है आसमां की, तेरी कौन सी नगरिया। चाय पीते हो? नुमान, बता कैसा लगा तेरे को आज राइड करके? एकदम बेस्ट लगा, पूरा एडवेंचर। मेरा ड्रीम था ऐसे एडवेंचर में राइड करने का, एकदम बेस्ट लगा। स्नो एकदम जबरदस्त, जिंदाबाद। ड्रीम पूरा हुआ, ड्रीम पूरा हो गया एकदम। स्नो में राइड करने का पूरा, आजू बाजू स्नो की दीवार, वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करना, सब एकदम बेस्ट। हमारे ग्रुप का सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा सीनियर है हमारे, सबसे सीनियर। आप बताओ कैसा है? जबरदस्त, पूरे लद्दाख ट्रिप मजा ही आ गया। और ये बारालाचा ला सबसे टफ लगा, सबसे टफ। मेरा है, मेरा मेरा मेरा, ले लो। बोला दो चाय, दो चाय, दो चाय, दो चाय देना, नहीं दो चाय देना। कपल कपल पूछते हैं इधर, बताओ पहले। दोनों दोनों पिलियन बैठा के भाई सब लाए बारालाचा ला पे, बताओ एक्सपीरियंस बताओ। बढ़िया था, बढ़िया तो बढ़िया। क्या चैलेंज 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 क्या है? चैलेंज ट्रैफिक बहुत हो रहा है ट्रक की वजह से। कभी लगा जाते कि शायद मैं नीचे न चला जाऊँ? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा। नहीं, मुझे लग रहा था पीछे बैठ के, मुझे पता था कि नहीं जाऊँगा, रुक गया था। जैसे लग रहा था कि रुकना चाहिए, रुक गया था। कल बाइक जो ठोकी थी आपने, कैसे ठोकी थी जरा वो बताओ। कल बाइक ऐसे ठोकी थी, शॉर्टकट ले रहा था तो था बहुत ऐसा नीचे जाने का रास्ता, तो बाइक स्पीड हो गई तो आगे से बड़ा सा पत्थर आ गया, पत्थर से सामने में गिर गया और वहाँ झूल गया। पत्थर को झूल तो नहीं गया, झूल गया था। हाँ, गिरा नहीं पर बाइक में आगे का वो मडगार्ड थोड़ा बेंड हो गया और उसकी कैप जो रहती है वो आप लेते ना बाइक से, इसलिए पत्थर को जाके ये रहते तो शॉर्टकट मारते ही नहीं, इसलिए यही कि शॉर्टकट नहीं मारना चाहिए जिंदगी में, शॉर्टकट कभी नहीं करना चाहिए किसी चीज का, किसी चीज में भी। जिंग बार लास्ट ईयर जिंग बार के बाद ही ना बहुत गंदा वाला वाटर स्ट्रीम था और मैं अपने चेतक को लेकर गिरा था फर्स्ट टाइम। आ गया ऑफ रोड, भगवान। मेरे को लगता है ये वही वाला पैच है जहाँ पानी था, मैं भूल गया था। मुझे लगता है उसके बाद ही जिंग बार के बाद ही, लेकिन नहीं, ये वाला पैच था। थैंक गॉड इस पे पानी नहीं है इस साल। इधर यहीं आसपास गिरा था मैं, पूरी ट्रैफिक लग गई थी। ये पानी इधर से जा रहा है, नाला बना दिया गया, नहीं तो इसी सड़क पर जाते हुए दिखती है वाटर। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, आ रहा हूँ शशांक भाई, रुक जाओ। रुक जाओ 2 मिनट, 1 मिनट सांस लेने दो, फिर उठाते। पानी जा रहा होगा अंदर। ये हैंडल छोड़ो, हैंडल छोड़ो, हैंडल छोड़ो, मैं उठा रहा हूँ। उठो, 1 2 3। पकड़ा। सो जी अभी एक और ताल आया, वो सूरज ताल था, ये भी कोई ताल है, देखते हैं कुछ नाम लिखा हो कहीं। ये देखो, ये एक ताल है। निकल ही गया, मुझे लगा यहाँ भी वाटर स्ट्रीम है, लेकिन ये तो बाईपास कर दिया गया यार। इसमें ना मज़ा आता, इस वाले चीज़ में मज़ा आता। तो अभी जो रास्ता आगे दिख रहा है ना, यहाँ से हम नीचे जाएंगे तो चले जाएंगे मनाली, और यहाँ से जाएंगे तो शिंकु ला पास चले जाएंगे, मतलब कि ज़ंस्कार वाला रोड जो है उस पे चले जाएंगे। तो एक बार दिखाते हैं, फिर यूटर्न मार के आ जाएंगे। लिखा है ना, शिंकु ला पास 39, पदम 143, चिक्का 10 किलोमीटर, ज़ंस्कार सुमदो। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से है, ये पूरा यहाँ से शुरू होती है ज़ंस्कार राइड। ज़ंस्कार, हाँ ये ज़ंस्कार के लिए नहीं, वो देखो पद्दुम 143, और यही रूट निकलेगा जाके कारगिल या फिर लामायूरू। ये ज़ंस्कार रूट है, ये लेह रूट है, ये ज़ंस्कार रूट है, ये लेह रूट है। तो आपको बारालाचा ला 33 किलोमीटर बाद मिलेगा, वहाँ पूरा स्नो कवर्ड, पूरा माउंटेन। हाँ बारालाचा ला पास, हाँ घंटे भर का रास्ता है यहाँ से। हाँ 1 घंटा लगेगा, गाड़ी में 1 घंटा लगेगा। हाँ लग जाएगा। ओके ब्रो। दर्चा ब्रिज, लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑन मनाली ले हाईवे। ये जो ब्रिज है मनाली ले हाईवे पे सबसे लंबी ब्रिज है। कहीं वाटर स्ट्रीम नहीं मिलने वाला है। मस्त राइडिंग करते रहो, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। दिस इज जसपा, ये भी काफ़ी खूबसूरत विलेज है। यहाँ पे कैंपिंग्स बहुत सारे हैं, कैंप्स हैं, होम स्टेज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। दिखने शुरू हो गए ना, अभी तक थे हम लोग टकले माउंटेन में लद्दाख में। जैसे ही हिमाचल एंटर करोगे, थोड़ी दूर आगे आओगे, उसके बाद से ग्रीन माउंटेन शुरू हो जाएंगे। इन ग्रीन माउंटेन्स की खूबसूरती अलग है बिल्कुल। यहाँ पे दो रिवर का मिलन होता है, टंडी चंद्रा जंक्शन और पीटी ऑफ द ब्लू वाटर ऑफ चंद्रा एंड ग्रीन वाटर ऑफ भागा बिकम्स चंद्र भागा एंड लेटर चिनाब। अच्छा, भागा और चंद्रा मिल करके चंद्र भागा बनती है एक रिवर और आगे जा करके चिनाब बोला जाता है इनको। ओके, नाइस नाइस स्टोरी। तो पेट्रोल पंप जो है वो है लास्ट न्योमा और उसके बाद केलोंग। एक टाइम था कि टांडी में हुआ करता था। एक पत्थर क्या गिरा रोड पे, ट्रैफिक लग गई। कह रहा है कि कान में वापस क्या निकल ही नहीं रहा है नितिन। मेरे को हंसी आ रही है कि भाई को कुछ ना कुछ रोज दिक्कत हो जा रही है। कह रहा पानी डाला, हवा किया, सब कुछ किया, फिर भी नहीं निकल रहा है, वापस गया, आवाज निकल ही नहीं रहा है। हंसी आ रही है, मेरे को हंसना नहीं चाहिए लेकिन क्या करूँ, हंसी आ रही है। महीना में चीज़ें कितनी चेंज हो जाती हैं। लास्ट मंथ में आया था, यहाँ पूरा स्नो से कवर्ड था और अभी बिल्कुल ड्राई हो गया है। एक महीने में क्या से क्या हो जाता है। की कतार में न भाग यूं बेकार में, जरा संभल के चलो मेरी जान। ये जो दिखे वो है नहीं, किसी का इस पे बस नहीं, बिखर गए हैं इसमें कितने हाथ। ये मीठा सा जहर लगे, अफीम की लहर लगे कि यहाँ निकालने नहीं देगा। हेलो जी, हम एंटर कर गए अटल टनल। लो जी भैया, अटल टनल का काम ख़त्म, अपन क्रॉस कर गए। भाई साहब, इधर तो मौसम ख़राब होता हुआ दिख रहा है। भैया हॉट एयर बलून, हाय 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 हाय। जब मेरे को तो लग रहा था कर्वी रोड था, मेरे को लगा रोड पे ही उतर गया क्या। ओ ये होई होई, मस्त मस्त। जा देखा जाए, यहाँ रुक करके जा उलट गया। अच्छा, हवा भर रहा है अभी, गैस से हवा भर रहा है सीधा करने के लिए। इतना रिस्की है यार, लेकिन फुल गया। वाह जब्बर, सोलंग आ गया। सोलंग देख के सामान टकराना नहीं चाहिए। देख के भैया, गाड़ी चला लो या फोटो बना लो। देखो कैसे ऊपर से नीचे आ रहा है। मनाली में हर चप्पे चप्पे पे दिख रहा है भाई, कुछ ज़्यादा ही मार्केटिंग हो गई इसकी। होटल की ढूंढाई चल रही है भाई साहब, इस तरफ तो मैं कभी आया ही नहीं था आज तक मनाली में। बहुत अंदर जा रहे हैं, देखते हैं मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर इस रास्ते से वापस आना पड़ेगा। बहुत ट्रैफिक है भैया मनाली में, पूरी दुनिया लगता है आज थर्सडे का दिन है फिर भी पूरी दुनिया पहुंच गई है मनाली। ओए होए होए, यहाँ से तो और खूबसूरत लग रहा है मनाली यार, वाओ। जय हो लद्दाख। हाँ ये लीजिए ना, थोड़ा सा तोड़िए, ऊपर चढ़ा दे मेरे, आजा लेट जाऊँ। हमारे सारे राइडर्स निकल रहे हैं अपने अपने डेस्टिनेशन पे, मैं भी रुकूंगा। योगेश जी आराम से जाइएगा और मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। योगेश जी की बाइक रेडी, प्रवीण भी निकल रहा है। मिलते हैं जल्दी बाबा, जल्दी मिलते हैं। नुमान किधर है? ये हमारे अनिल भाई भी जा रहे हैं वापस, सब मुझे छोड़ के जा रहे हैं, सब के सब मुझे छोड़ के जा रहे हैं। मुंबई में ही है, जल्दी मिलते हैं, पक्का मिलते हैं। मेरा जूनियर नितिन भी जा रहा है, ये सब साथ में निकल रहे हैं। चल राइड सेफ, आराम से जियो, ठीक है, आराम से जियो भाई। बच गया है नुमान। नुमान किधर है? नुमान किधर है? नुमान किधर है? कुछ ये प्रॉपर्टी थी जहाँ हम रुके हुए थे, होटल ओशन ब्लू, न्यू मनाली में है ये। रहा नुमान, यहाँ आ रहा है, पानी बॉटल लेकर के सबके लिए आ रहा है। तो ये रहा, चल मिलते हैं जल्दी, आराम से जाना, सेफली जाना, ठीक है, मैसेज करते रहना। आराम से, आराम से, हड़बड़ा मत, आराम से चल। बाय बाय, आराम से जियो।